नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन कई बार संपूर्ण आहार भी जहर बन जाता है। ऐसा तब होता है जब आप गलत चीजों के साथ उसका सेवन करने लगते हैं। अब आप अमृत को जहर के साथ खाएंगे तो वो जहर जैसा ही प्रभाव देगा ना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अमृत समान दूध के लिए कौन कौन सी चीजें जहर के समान है। और आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि दूध और ये चीजें साथ में खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फल भी अमृत समान है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ खाते हैं तो ये नुकसान भी कर देते हैं। कुछ विशेष तरह के फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू, लीची और खट्टे फलों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। ये जरा सी चीजें दूध को फाड़ देती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। वैसे माना जाता है कि ये सारे फल आपके पेट को ठंडा करते हैं, जबकि दूध गर्म करता है, जिससे आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पेट में असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे पेट में जहरीले पदार्थ बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको जुकाम, खांसी, कफ और एलर्जीज हो सकती है। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक भोजन है और नॉनवेज को भी संपूर्ण आहार में गिना जाता है, लेकिन इन सारे विटामिन्स और प्रोटीन को पचाने में शरीर को थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे में जब आप दोनों चीजें साथ में खाते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, कभी भी दूध को नॉनवेज के साथ नहीं खाना चाहिए। मछली शरीर के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो इससे पेट में जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों पदार्थ साथ में खाने से पेट में पॉइजनस पदार्थ पैदा होते हैं, जिससे बदहजमी और पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। नियमित तौर पर खाने से ये शरीर की कई क्रियाओं और हार्ट को भी परेशानी में डाल सकता है। दूध और नमक एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दूध को कई व्यंजनों का आधार माना जाता है, जबकि ऐसा मानकर हम शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों चीजों को एक साथ लेने का प्रभाव आपको एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको कई सालों बाद प्रकट होगा। इससे सफेद रोग भी हो सकता है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, लेकिन जब आप दूध को इन असंतुलित चीजों के साथ खाते हैं तो ये जहर बन जाता है। पुरुष तो इससे नपुंसक तक बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।